हेलो जी, दिस इज फिराज राव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फिराज राव। इसी के साथ हो गई है नए दिन की नए ब्लॉग की शुरुआत। और अभी हम लोग है एटा में, जो कि है आगरा से 80 किलोमीटर की दूरी पे। और अभी हम लोग ससुराल से जा रहे हैं एक कजिन सिस्टर के यहाँ पे, जो कि है यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे, जिसका नाम है बदायूं। तो बीच में गंगा जी पड़ते हैं, उसके दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे आगे बदायूं की तरफ। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे थे, कहीं पे ट्रैवल नहीं किया था, सिर्फ रेस्ट किया है। तो आज फाइनली हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए। तो जो जो जर्नी होगी हमारी और जहाँ जहाँ घूमेंगे, जहाँ जहाँ मिलेंगे लोगों से, वो आपको दिखाएंगे। तो आज ब्लॉग में मज़ा आने वाला है, ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। अभी बैग वैग रेडी कर लिए हमने और निकलते हैं अभी बदायूं के लिए। ये है पूरा घर, घर के बाहर है गार्डन और यहाँ पे रखी है इनोवा और बुलेट। लेकिन हम लेके जा रहे हैं छोटी वाली गाड़ी, जो कि है होंडा सिटी। अभी आपको सब बाय बाय करने आए हुए हैं, एक दिन के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब भी यहाँ से जाते हैं, सबको ऐसा होता है कि चले गए घर से, बुरा लगता है सबको। बाय 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 बाय। पापा को छोड़ने आए मंडी। ये है पापा की मंडी, कृषि उत्पादन मंडी समिति रोड, जीटी रोड, एटा। आप क्या हो मंडी में, क्या हो पापा? मंडी हम हाँ अध्यक्ष। यहाँ पे देखो चारों तरफ ये मक्का है ना, सीजन सीजन फुल सीजन है भाई। मंडी में तो पानी पूरी भी मिल रही है ना। देखो यहाँ पे सीजन की वजह से पूरा मक्का ही मक्का फैला हुआ है और यहाँ पे कोई मंदिर भी बन रहा है। तो अभी हमने पापा को यहाँ पे मंडी में छोड़ दिया और जा रहे हैं हम लोग यहाँ से 80-90 किलोमीटर की दूरी पे है बदायूं। बदायूं में रहती है मिट्टू के ताऊ की बेटी। फिर से आ गई यहाँ पे मक्का ही मक्का, ये देखो पूरे उसमें मक्का ही फैली हुई है। कितने ट्रक है यार यहाँ, मैप लगा लूँ ना? हाँ मैप लगा लो, यहाँ से निकलना है बाहर अभी। तो ये देखो किसी का मक्का बिक गया, किसी का बेचना बाकी है। तो वही है, ये देखो यहाँ पे कोई बेचने बैठा हुआ है, तो ये सब चलता रहता है। गर्मी में भी लेबर तो काम कर ही रही है यार अच्छे खासे। यहाँ से देख रहे हो आगरा है 90 किलोमीटर। अभी हम लोग मंडी से निकल के आ गए वापस एटा शहर में। और एटा शहर का ट्रैफिक देखो, मतलब इतना नहीं है क्योंकि गर्मी की वजह से, लेकिन वैसे पूरा भरा हुआ होता ही है, एकदम खचाखच राजधानी जैसा। क्या बोलती है, यूपी की पॉपुलेशन गुजरात से बहुत ज़्यादा है? पॉपुलेशन तो है, पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है। यहाँ पे बाइक का ट्रैफिक मोस्टली ज़्यादा रहता है, मुझे ऐसा लगता है। दोनों का ही रहता है, मतलब ये देखो ये जो टिर्री चल रही है यहाँ पे, टिर्री कहते हैं इसको, जिसको जो हम गुजरात में रिक्शा कहते हैं वो यहाँ पे टिर्री कहलाती है। टिर्री का भी इतना ट्रैफिक होता है यहाँ पे, टू व्हीलर थ्री व्हीलर हद से ज़्यादा। यहाँ से बरेली है 130 किलोमीटर और कल हम जाएंगे वहाँ पे। आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर। तो हम ट्रैफिक में फंसे हैं, बस यहाँ से निकले, उसके बाद आएंगे ना गंगा जी। कौन सा है गंगा जी का वो पॉइंट जिसको कहते हैं? कछला जी। वहाँ पे आज क्या है? गंगा दशहरा है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे गंगा जी पे नहाने जाते हैं। यहाँ पे देखो बदायूं लिखा हुआ है, और हमें पहुँचना है वहाँ पे, जो मैं कह रहा था ना 90 किलोमीटर, जबकि वो है 95 किलोमीटर। बदायूं, बरेली, सोरो, कासगंज, इस जगह पे जाना है हमें। यहाँ पे देखो यहाँ पे लोग कर रहे हैं सेवा, जो भी गंगा जी आते हैं उनकी यहाँ पे लोग सेवा करते हैं कि पानी वानी शरबत वरबत कुछ भी पिलाते हैं। ऐसी कोशिश करते हैं वो लोग कि उनको ये चीज़ें फ्री में अवेलेबल रहे, जैसे हम लोग अंबाजी के टाइम पे करते हैं, वैसे ही ये लोग यहाँ पे अभी करते हैं। आज तो बड़ा ही माहौल है यहाँ पे। आने वाला ट्रैफिक देखो कितना ट्रैफिक है, जाने वाले लोग कम हैं। इनको क्या हो रहा है, रास्ते में डांस कर रहे थे वो।
अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ से कासगंज। पहले हम लोग एटा थे, अभी आया है कासगंज, जहाँ से मथुरा 106 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे आपको बता, यहाँ पे रसमलाई फेमस, इस एरिया में सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई है इस 100 किलोमीटर में तो वो कासगंज की रसमलाई है। और मैंने जब स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं यहाँ के, उन्होंने यही बोला था कि ये अच्छी जगह और फेमस जगह है। तो पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन मज़ा आया था खाने का। आज भी अगर मौका पड़ता है तो हम खाएंगे, लेकिन रसमलाई हमने कल ही खाई थी, तो देखते हैं अभी क्या होता है। कासगंज फेमस है गोल्ड के लिए भी, फेमस कासगंज क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड मिलता है वो एकदम हैवी टाइप का होता है। मतलब जो यहाँ की जो डिज़ाइन होती है वो एकदम बारीकी वाली नहीं होती, बड़ी डिज़ाइन होती है जो एकदम तगड़े लोग पहनते हैं ना, जो आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज़ वगैरह में कि एकदम चेने वेने बड़ी बड़ी चेने पहनी हुई है, वो यहाँ पे मिलती है सारी। देखो अभी पीछे इतनी धूल हो गई कि हमें दिखाई नहीं कि आगे क्या रास्ता है। अभी भी उठ रही है, ट्रक ने उड़ाई थी। तो और यहाँ पे देखो ईंटें बन रही, ईंटें हर जगह पे, ऐसी भट्टियाँ मिल जाएगी आपको यूपी में। ये हमने मूवीज़ में भी देखा है कि कुछ भी लड़ाई वड़ाई होती है तो लोग ईंटों की भट्टियों के आसपास ही लड़ाई करते हैं। तो बहुत सारी भट्टियाँ यहाँ पे। यहाँ पे आया कासगंज लिखा हुआ है, मेन चौराया है कासगंज का। तो अभी हम लोग है कासगंज में और हमें याद आया कौन से फेमस हलवाई की रसमलाई खाते थे, जिसका नाम था रोशन लाल हलवाई। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी रसमलाई थी। अभी अगर आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वही फेमस शॉप जिसका नाम है एल रोशन लाल जी। हम लोग पहुँचे सोरो जी और यहाँ पे गणेश जी देखो कितने सुंदर बनाए हुए हैं। चले गए यहाँ से सोरो जी। ये गंगा जी से 1 किलोमीटर पहले का रास्ता चालू हो चुका है, अभी आएगा कछला। कछला पे सोरो जी में भी गंगा जी मिलता है। कछला पे जाना है हमें, कछला पे ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा हमें, ऐसा हमें चांस है। लेकिन अभी शाम हो गई तो शायद ना भी मिले, देखते हैं। लेकिन आपको गंगा जी के दर्शन ज़रूर कराएंगे। अभी हम लोग रुक गए हैं रेलवे फाटक पे, यहाँ पे आ गई है ट्रेन। कौन सी ट्रेन है ये? ये ट्रेन है ललुआ राजकोट ट्रेन, पता नहीं कौन सी ट्रेन। ललुआ राजकोट ऐसा तो नहीं होगा, कुछ और ही लिखा होगा। फिर से पढ़ते हैं कौन सी ट्रेन है। लालकुआ राजकोट, लाल कुआ से राजकोट वाली ट्रेन है। मतलब अपने गुजरात से आई है ये ट्रेन, गुजरात जा रही है। हाँ गुजरात जा रही है, मतलब आ रही है जा रही है, मतलब अपने गुजरात वाली ट्रेन है इन शॉर्ट। अभी पहुंचे हम लोग कछला और यहाँ पे आती है गंगा जी। जब हमने बोला था कि आपको गंगा जी के दर्शन कराएंगे वो यहीं से कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे आज है गंगा दशहरा और लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि यहाँ पे गंगा दशहरा पे लोग गंगा जी का स्नान करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। तो यहाँ पे आसपास देखिए गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। हम भी ट्रैफिक में फंसे हैं, लोग बसें भर भर के आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए जी गंगा जी यहाँ पे है, लोग नहा धो रहे हैं, वहाँ पे पूरा घाट बने हुए हैं एकदम। और ये है ब्रिज, इसके ऊपर से क्रॉस होके जाना है हमें। गंगा जी का ये ब्रिज है, कछला सोरो ब्रिज बोलते हैं इसको। यहाँ से जाते हैं फिर वो प्रयागराज और प्रयागराज के बाद जाते हैं फिर ये वाराणसी। जाना है बदायूं और बदायूं यहाँ से रहा 29 किलोमीटर। जैसे ही हमने कछला जी क्रॉस किया उसके बाद हमारा बदायूं रहा है 29 किलोमीटर। कल जाना है हमें पीलीभीत, तो वहाँ पे है 129 जो कि बरेली से थोड़ा आगे है। अभी हम लोग आ चुके हैं बदायूं में, बदायूं शहर, और यहाँ से हमें जिस लोकेशन पे जाना है वो 2 किलोमीटर बचा है। यहाँ पे एक्चुअली यूपी में मुझे आज ऐसा लगा कि यहाँ पे रोड्स की प्रॉब्लम नहीं है, व्हीकल्स की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सिर्फ प्रॉब्लम है तो पॉपुलेशन है, हद से ज़्यादा पॉपुलेशन है। मतलब उनकी ज़रूरियात ज़्यादा है और व्हीकल्स उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की वजह से ज़्यादा है, तो ट्रैफिक उसकी वजह से लगता है हर जगह पर।
शहर तो छोटा ही लग रहा है, अब देखते हैं घूमेंगे, पता चलेगा क्या है शहर में। क्या बोलते हैं, तो घूमी हुई है शहर? छोटा शहर है। तो जी ये देखो गाड़ी यहाँ पे लगा दी, और ये देखो हस्बैंड और वाइफ वाला भी करना चाहिए था। और क्या है ना? नमस्ते, क्या हाल चाल है भाई? इसका नाम है ओम। कौन है ओम? ओम अनमोल। ये क्या है? इससे क्या होता है? हवा। एसी नहीं है? एसी नहीं आया ऐसा? हाँ आ तो रहा है, देखो आप देखो। नहीं तो बना ही नहीं सकती। अच्छा आ तो रही है हवा, अच्छी वाली आ रही है हवा, बहुत अच्छी हवा आती है इससे। नींद आ जाए ऐसे काम करते करते सो जाने का ऐसे। हाँ हाँ चेयर है ना, आप देखो दिखाएं आपको। अच्छा ये भी लगा रखी है। खाना देखो यहाँ पे आ चुके हैं, नई वाली हार्ली डेविडसन 450 सीसी है ना ये, 440। अभी निकाल रहे हैं हम इस हार्ले डेविडसन को बाहर, इसकी चाबी लगेगी यहाँ पे। और ये देखो इसका स्पीडोमीटर देखना, बाइक को चालू कर दी, 189 किलोमीटर चली है ये, 200 भी नहीं चली अभी तक। अभी हम देखो बाइक का पूरा टेस्टिंग कर दिया है, इन दोनों ये दोनों मेरे साथ आए थे अभी, और बाइक एकदम बढ़िया है। अभी जा रहे हैं हम लोग सिटी मॉल, हम लोग बदायूं सिटी मॉल, और ये देखो अभी ओपन हुआ है ये बदायूं सिटी मॉल। यहाँ पे आ चुके हैं ब्लैकबेरी, जॉकी, ऑक्टेव, डोमिनोज। डोमिनोज के अलावा यहाँ पे क्या था? ये वाली डिशम सिनेमा है, उसके आगे है ना। अच्छा बना यार मॉल तो, इसमें अगर कुछ हो तो जा सकते हैं, इसमें तो मुझे लगता नहीं कुछ ओपन भी हुआ है, ये नहीं हुआ है शायद। हम लोग आए थे मॉल में, लेकिन मॉल में कुछ ज़्यादा मज़ा आया नहीं हमें, मतलब ठीक ठाक बनाया, अभी काफ़ी सारी चीज़ें ओपन होने की बाकी है। तो अभी निकालते हैं अपनी बाइक वापस। ये आए हम लोग सहस्त्रधाम गौरी शंकर देवालय, जो बदायूं का एक काफ़ी बड़ा मंदिर है, प्रचलित मंदिर है यहाँ। पहले हम लोग यहाँ से हाथ मुँह धोएंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे दर्शन किया, ये यहाँ पे और भी बहुत सारे भगवान हैं, सारे पीछे तक है, तो सारे दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। जय साईं बाबा।
बच्चे ने एक भी बैल नहीं छोड़ा, उसने सारे बजाए। वहाँ छूट गए तेरे कुछ, अब ये भी ट्राई करेगा। हमने सारे भगवान जी के, हाँ चैनल है ना आपका, हाँ ट्रैवलर नाम से। अभी हमने सारे भगवान के दर्शन कर लिए और निकलते हैं अपने घर के लिए। अपना घर यहाँ से 100 मीटर पे ही होगा ना, 100 से 200 मीटर पे होगा। अभी निकाल लिया हमने अपनी बाइक और चलते हैं अपने घर की तरफ। देखो हम लोग यहाँ पे खेल रहे क्रिकेट, शाम हो गई है तो क्रिकेट खेलने का मज़ा कुछ और होता है। फ़ैन चला दे भाई, यहाँ पे फ़ैन चला दे यार। चल पहले मैं बॉलिंग, तू अबला, मेरी बॉलिंग आई। बताओ बताओ क्या क्या है बनाया खाने में, क्या बनाया? पनीर की टिक्की, हाँ आलू की टिक्की, प्याज की पकौड़ी, अच्छा गार्लिक ब्रेड, ओके और कोल्ड कॉफी। नहीं कोल्ड कॉफी नहीं, ठंडाई ठंडाई यार, कोल्ड कॉफी बना लो। ठीक है ठीक। आपके कैफे में इतनी चीजें क्यों, आप जो ऑर्डर करेंगे वो भी अवेलेबल है। अच्छा वो भी मिल जाएगी। देखो अपनी अपनी, देखो मैंने लगाए 50 रन, इसने अभी तक कितने लगाए, 28 30 लगाए ना, 30 लगाए थे ना मैक्सिमम। और मेरे हाईएस्ट 40 हुए इसके, अब मेरे तो 62 तक गए हैं हाईएस्ट, तो फिर मैं जीत गया। दो वन इनके कैच आउट, बच्चों के साथ खेल रहे हो, बच्चों के साथ। अरे जो भी है, दो बार कैच आउट, बच्चे हैं ये बच्चे, कैसी शॉट मारी है इसने यहाँ पे, देख दो बार कैच आउट। ये देखो ये तुम्हें नहाना है, यहाँ शॉट लगाई, किसने लगाई थी इसने। देखो नाश्ते में हमारे लिए क्या क्या बना है, क्या क्या बना है, तुझे नाम भी पता है इसके, बता दे क्या क्या बना है। प्याज की, प्याज की पकौड़ी, पनीर की पकौड़ी, गार्लिक ब्रेड, खाकरा, नाश्ता, और ये है ठंडाई, ठंडाई, और ये सॉस, और ये चटनी। वाह वाह, यहाँ पे आ चुके हैं हमारे जीजू। जीजू आते आते बहुत लेट कर दिया आपने। अब नाश्ता स्टार्ट कौन करेगा इसको? आप ही करोगे, नहीं जीजू करेंगे। मैं सारा ही इसने ट्राई कर लिया होगा। देखो हम खेल रहे हैं मून बॉल से वन टिप कैच। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर फिर से एक्सप्लोर करने के लिए। क्या क्या एक्सप्लोर करना है अभी? स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, क्या पता नहीं। अभी काफी दो तीन साल रुके यहाँ कचला में, इसी लिए हम लोग आए राजमहल बैंकेट हॉल और गार्डन, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। ये गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है, ये देखो यहाँ पे मैरिज हॉल भी है और उसके साथ साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, तो रेस्टोरेंट में चलते हैं। अभी हम तो क्रॉक्स पहन के ही आ गए हैं अपने, यहाँ पे आ चुका है हमारा खाना जिसमें नूडल्स और ये क्या है, हनी चिली पोटैटो, चिली पोटैटो है ना। यहाँ पे हो गया हमारा खाना पीना, रेस्टोरेंट काफी अच्छा है, यहाँ में क्राउड भी काफी सही है। पहुंचे हम लोग यहाँ की 6 सड़क और 6 सड़क पे है गांधी ग्राउंड, वहाँ पर लग रहा है मेला। ये गाड़ी हमने यहाँ पे छोड़ दी है और जा रहे हैं हम लोग वाडीलाल की आइसक्रीम खाने के लिए। यहाँ पे आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, अभी अभी सुबह सब नाश्ता करने बैठ गए हैं। और ये देखो इसमें है क्या, जलेबी, समोसा और कुछ सूखा नाश्ता। मोर आइटम एडेड जो कि है खमन। चल रहे हमारे पोकेमोन कार्ड, किस किसने ये पोकेमोन कार्ड खेले ये बताओ। मैं तो नहीं। ये नहा धो के हम लोग हो चुके हैं फ्रेशन अप और भगवान के हाथ जोड़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दिन तो वैसे दोपहर हो चुकी है लेकिन मज़ा आ रहा है। बाथ टब में थोड़ी देर नहाए, उसके बाद सब क्रिकेट खेले, फिर वापस नहाने गए क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो 2-3 बार नहा लिया। अभी लंच करेंगे फिर यहाँ से निकलना है
आगे बरेली के लिए। अभी खेल रहे हैं हम लोग फुटबॉल। देखो जैसे जैसे भाई बॉल डाल सेंटर में होगा ना। देखो यहाँ से हमने रखा, अरे भाई ने मारा गोलकीपर, मौसा जी संभालेंगे। यहाँ पे आ चुका है हमारा लंच। लंच में है दाल मखनी, पनीर, पनीर कौन सा है ये, पनीर शाही पनीर, और यहाँ पे मैंगो रस और रोटी, ये सलाद, और ये दो बच्चे यहाँ पे खाना आ जाओ। हम भी खा लेंगे अभी। मिट्टू यहाँ पे सेवादार है, वो भी थोड़ी देर बाद खाना खाने आएगी। यहाँ पे देखो हम निकाल रहे हैं फिर से अपने हार्ले डेविडसन। हम लोग आए हैं राधिका स्वीट, जो कि बदायूं की बहुत फेमस स्वीट शॉप है, वहाँ पे हम लोग आए हैं अपनी हाली लेके। ये बदायूं की बहुत फेमस शॉप है। आप लोग यहीं से खाते हो ना मिठाई? हाँ। इससे फेमस कोई शॉप है यहाँ पे? हाँ, हाँ। कौन सी है दूसरी? एक नैना स्वीट। नैना स्वीट्स। बस आ चुके हम लोग घर पे, बाइक को लगा दी पार्किंग में, अभी फ्रेशन अप होते हैं और निकलते हैं। अभी देखो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं चेकआउट। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे पीलीभीत। देखो गौरी दी बाय बाय कर रही है और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। बाय बाय जीजू। अरे आओ ना व्लॉग में ही तो ले रहा हूँ। बाय बाय। क्रिकेट खेलना अच्छे से, सबको हरा के आना, ठीक है जी। घर से हम लोग निकल चुके हैं, अभी ये है डीएम चौराया। डीएम चौराया ही है ना ये भी, और वीरांजना चौक, वीरांजना। और अभी यहाँ से हमें जहाँ जाना है वो है पीलीभीत, जो कि यहाँ से 95 किलोमीटर, 95 होगा ना कि ज़्यादा होगा? 95। रोड बढ़िया बनाई है यहाँ पे, काफ़ी सही रोड है। चौक का मतलब है रानी लक्ष्मीबाई वाला। अच्छा, हाँ, लेफ्ट या राइट या सीधा? सीधा। बरेली वाला रोड तो उधर नहीं आता कि इधर क्यों आ गए? पीलीभीत जाने का रास्ता देखो भाई, बढ़िया रास्ता है। बरेली तक तो ये रास्ता एक नंबर है, उसके बाद रास्ता भी थोड़ा बिगड़ जाता है, लेकिन यूपी के रास्ते भी अब सुधर गए हैं। काफ़ी सही डेवलपमेंट है यार, और आजू बाजू ग्रीनरी भी काफ़ी सही है, तो ऐसे कुछ गर्मी वाला कोई सीन है नहीं। तो जी यहाँ से देखो पीलीभीत है 78, बरेली 25 और दिल्ली है 281। यहाँ से नैनीताल भी जा सकते हैं ना, नैनीताल, अल्मोड़ा, वो सब भी जा सकते हैं, तो कभी मौका मिला तो ये सब भी करेंगे यहाँ पे। तो जी आ चुके हैं हम लोग बरेली शहर में फ्लाईओवर पे, ये है कैंट एरिया। तो जी अभी पहुँच चुके हम लोग बरेली कैंट, और काफ़ी सुंदर है यार बरेली कैंट, मतलब चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, पूरा खुला एरिया एकदम। अभी ये था वीरांगना चौक, उससे आगे निकल रहे हैं हम लोग पीलीभीत के लिए। अभी हम लोग चल रहे हैं बरेली सिटी में, और ये देखो यहाँ पे आया है कैलाश पथ। सीधे जाना है पीलीभीत के लिए, 46 किलोमीटर है पीलीभीत। ये देखो वेलकम टू उत्तर प्रदेश। देखते देखते हो चुकी है शाम, और अभी भी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 6-7 किलोमीटर बच चुका है। अभी भी पता नहीं कब पहुंचेंगे घर पे, क्योंकि थकान भी हो रही है और पहुंचना है घर, रेस्ट करना है थोड़ा। अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं यहाँ से नेपाल बॉर्डर बहुत करीब है, मतलब जिस डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं वहाँ से भी नेपाल बहुत पास में है, तो कभी मौका मिला तो नेपाल जाएंगे। जो पिथौरागढ़ से नेपाल जाते हैं वो रास्ता यहीं से होते निकलता है, तो पिथौरागढ़ यहाँ से 100-150 किलोमीटर है। और तो जी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पीलीभीत जहानाबाद, और यहाँ पे जीजू हमें लेने आ गए हैं, तो अभी चलते हैं घर पे। रवि हाय तो बोलो हमारे सब्सक्राइबर को। हाय। ये जी है इनका घर, अभी चलते हैं घर के अंदर।
अभी हम लोग बैठे हैं इन बच्चों के साथ और ये देखो क्या कह रही है। क्या बनाना है ब्लॉग में तुझे? ब्लॉगिंग करनी है घर की। हाँ तो कर ना, चालू है ब्लॉगिंग। बता बैठने का तरीका सही करो पहले और बताओ ब्लॉगिंग में क्या करना है। इस घर को शो करना। शो कर दिया। और क्या करना है शो में? चलो शो करते हैं। क्या हंस रहा है? चला जाऊंगा मैं, बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा तेरा। ये मौसा जी ने अच्छा ब्लैक मेल कर रहे हैं। हंस ले, इधर देख, देख इधर देख, इतना क्यों हंस रहा है? लेकिन तू तो जी इसी के साथ हो चुकी है सुबह और हम लोग एक नाइट पीलीभीत में रुके और अभी जा रहे हैं हम लोग रामपुर, जो कि है यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है, जिसके लिए हमें बरेली तो जाना ही जाना है, लेकिन बरेली से पहले जब एयरपोर्ट पड़ता है वहाँ से हमें रामपुर के लिए कट जाना है। तो मजाक करते करते हम लोग जा रहे हैं अपनी सिस्टर को उठाने, उसके बाद जाएंगे फिर सीधा अपने घर एटा। रात भर हमने बातें करी, बैठे रहे बच्चों के साथ, मज़े किए, इसलिए रात को तो हम ब्लॉग कर ही नहीं पाए थे, लेट आए थे एक तो, और थकान और खाना और फिर बातें बातें। वैसे दो दिन से हमने कितना खाया है मैं खुद को अंदाजा नहीं। खा ही रहे, मतलब कहीं भी जा रहे, क्योंकि सबके घर पे मेहमान है, हम पहली बार जा रहे हैं तो सबको कुछ ऐसा है कि कुछ अच्छा खिला दे हमें, लेकिन भाई पेट तो हमारा है तो ये सोच के चलते हैं, लेकिन फिर भी खाना खा ही लेते हैं कोई ना। लेकिन अभी वेदर को एंजॉय करते हुए निकलते हैं रामपुर के लिए। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रामपुर, जो कि मुरादाबाद से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है रामपुर, और यहाँ पे रोड अच्छा खासा रोड है, यहाँ पे टोल भी अच्छा खासा था, 320 रुपये तो टोल लगाया हमारा, लेकिन रास्ता एक नंबर है। यहाँ से गाजियाबाद देख लो, गाजियाबाद 178 किलोमीटर है, तो मतलब आप समझ सकते हो दिल्ली के कितना करीब होगा ये। कल हम गए थे नेपाल बॉर्डर की साइड और आज हम लोग हैं दिल्ली के नियर बाय में। जी गाड़ी हमने लगा ली है, अभी पहुँच गए हम लोग रामपुर। यहाँ पे है पुक्कू, पुक्कू का घर ये रहा, यानी तनु का घर। तो जी अभी पुक्कू मिलेगा हमें, देखते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं हम घर तक आ गए अपनी लगेज लेके। ये देखो ये भी लेट आओ पुक्कू। का बैग हमने देखा और खोलते हैं कि इसमें बैग में है क्या। देखो लोगों की बैग में बुक्स होती हैं, इसकी बैग में चिप्स है। क्या बार हाई करो, अच्छे से हाई करो। अभी हम आए थे रामपुर और रामपुर से भी कर रहे हैं चेकआउट और जा रहे हैं हम लोग फिर से बरेली, बरेली होते हुए जाएंगे फिर हम लोग एटा। ये भी आ रहा है इस बार हमारे साथ। ओए बाय। हम लोग अभी निकल चुके हैं रामपुर से बरेली के लिए और ये देखो यहाँ पे हमारे साथी ड्राइवर कौन है। अभी हम लोग पहुंचे हैं पैलेडियम मॉल बरेली, अभी यहाँ से पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। पहले तो हमें कह रहा है खुद टोकन ले लो, पुक्कू लगा रहा है यहाँ पे उसकी रेलगाड़ी में राउंड। ओए पुक्कू हाय कर दे, हाय पी 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 पी। इसका राउंड चालू लगा है पुक्कू भाई। और हम लोग क्या करेंगे अभी, कुछ आइडिया नहीं है, घूमना है बस ऐसे ही फालतू। यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे और मिट्टू गई है अभी शुगर के ब्रांड के यहाँ और वो अपना यहाँ पे ट्राई कर रही है और हम लोग बस एक राउंड और लग जाएगा पोकू का फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। अभी आया हमारा चाउमीन और यहाँ पे चल रहा है चाउमीन। कैसा लगा पोकू? अभी आ चुकी है हमारी कॉफ़ी
और यहाँ पे चल रही है कॉफी। तूने क्या लिया है? कॉफी नहीं ली, चॉकलेट शेक लिया है। अब आ चुके हैं हमारे पिज़्ज़ा, यानी हमारा फाइनल ऑर्डर है ये पिज़्ज़ा। उसके बाद हम कुछ खा देखने भर जाएंगे, अभी खाने का कार्यक्रम खत्म हमारा। अभी हम लोग आए इस मॉल के फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी जोन में, जहाँ पे मिलेगा बच्चों को ये वाला सर्टिफिकेट, जहाँ पे एक्टिविटी चल रही है पेंटिंग वाली। ये देखो, ये पेंटिंग वाली एक्टिविटी चल रही है और यहाँ पर सारे बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं। तू भी करेगी क्या मिट्टू, तू भी करेगी? देखो पुक्कू बैठ गया कलर करने के लिए, और कलर कहाँ हो रहा है उसको खुद को नहीं पता। कलर चेंज तो करा वो। फाइनली मिल चुका है अभियुक्त गुप्ता को सर्टिफिकेट। किस लिए? ये वाली ड्राइंग के लिए। भाई ड्राइंग तो शर्माए ऐसी है। ये वाली ड्राइंग अभी क्या बनाया तूने? हमने मिस्टर DIY से तंबोला लिया है, अब रात को हम लोग फैमिली के साथ खेलेंगे ये तंबोला। अभी हम लोग मॉल से निकल चुके हैं और जा रहे हैं एटा के लिए, क्योंकि ऐसा हुआ है कि यहीं पे हमारे बच चुके हैं 6:30 और यहाँ से एटा पहुँचते पहुँचते 9:30 बज जाएंगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं कासगंज रिटर्न में, और अभी भी घर पहुँचने में एक घंटा और मान लो, आधा घंटा और मान लो। अभी थकान होगी तगड़ी वाली हो चुकी है, बस खाना खाना है घर जाके। तो देखते हैं, अभी जाते टाइम भी कासगंज पड़ेगा तो उसमें जो रोशन लाल हलवाई है वो ट्राई करेंगे, अगर खुला होगा तो लेट्स सी क्या होता है। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एल रोशन लाल जी हलवाई, यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे आ चुकी है हमारी मलाई पूरी, और यहाँ पे रसमलाई, यहाँ पे हमारे लड्डू। अभी आ चुके हैं घर पे, पूरा दिन बहुत मज़े किए, लास्ट के जो 2-3 दिन थे काफ़ी एंजॉय किया। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते ऐसी किसी बढ़िया से, आ जाते ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बोल दें।